क्या बीजेपी का किला भेद पाएगी कांग्रेस और आप, या एक बार फिर खिलेगा कमल? क्या है बलसाड़ सीट का सियासी समीकरण? गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अब बस एक हफ्ते का समय बचा है। इस बार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी जोरों शोरों से चुनावी दंगल में उतरी है। गुजरात में जारी इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों की राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात होगी गुजरात की सबसे चर्चित वलसाड़ विधानसभा सीट की। गुजरात में वलसाड़ सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। बीते 32 सालों से बीजेपी यहां जीत रही है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती बड़ी है। इस बार मुकाबला कैसा रहने वाला है सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में हम वलसाड़ सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले बात होगी राजनीतिक इतिहास की, फिर मौजूदा समीकरण, फिर चुनावी मैदान में कौन कौन है और जनता के मुद्दे क्या है। ये वो बातें हैं जिनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात इतिहास की। वलसाड़ सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले इस सीट का नाम वलसार था। वलसाड़ सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। कांग्रेस के सामने 32 सालों से जारी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की चुनौती है। इस सीट से जुड़ा एक अजीब संयोग भी है। अगर 1972 में हुए विधानसभा चुनाव को छोड़ दें, तो इस सीट से जो भी पार्टी जीती है गुजरात में उसकी ही सरकार बनी है। 1990 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनावों पर नजर दौड़ाएं, तो 2007 में बीजेपी के दौलत राय नाथूभाई देसाई यहां से चुनाव जीते। 2012 और 2017 में बीजेपी के भरत भाई कीकूभाई पटेल यहां से चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। वलसाड़ सीट पर जाति आधारित समीकरण की बात करें, तो यहां कोली, पटेल, घोड़िया, माछी, मुस्लिम और मराठी लोगों का दबदबा है। बीजेपी ने एक बार फिर भरत भाई कीकूभाई पटेल को प्रत्याशी बनाया है। कीकूभाई पटेल 2012 से यहां चुनाव जीत रहे हैं और इस बार उनकी नजर जीत की हैट्रिक पर होगी। वहीं कांग्रेस ने कमल कुमार, शांतिलाल पटेल और आम आदमी पार्टी ने राजू मार्चा को टिकट दिया है। वहीं वलसाड़ सीट पर अगर बात जनता के मुद्दों की करें, तो आदिवासी समुदाय के विभिन्न संगठन धर्मपुर के पास मांडवा और पाईखेड़ में नदी लीक परियोजना में प्रस्तावित बांधों का विरोध कर रहे हैं। लोगों का विरोध इस बात को लेकर है कि अगर बांध बना तो 4000 लोग विस्थापित होंगे। विरोध तेज होने पर सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। आदिवासी नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री और वित्त मंत्री के साथ बैठक की, जिसके बाद घोषणा हुई कि बांध का काम अभी स्थगित कर दिया गया है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं, पानी और सड़कों की मांग लगातार बनी हुई है। वैसे तो ये इलाका बारिश की दृष्टि से चेरापूंजी जैसा ही माना जाता है, लेकिन गर्मियों में पीने के पानी की कमी हो जाती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हमें यहाँ देखने को मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोक पाती है या नहीं, या एक बार फिर से बलसाड़ में बीजेपी कमल खिलाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।